दोस्त बहुत बार ऐसा होता है ना कि नेचर ना आपको बहुत बुरी तरीके से पढ़ता है, और अगर आप नेचर के उस एग्जाम में पास कर जाते हो ना, तो आपके लिए जो रियल लाइफ एग्जाम्स है ना, लाइक नीट, IIT, JEE, UPSC, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल सा नहीं रह जाता है। ये जो वीडियो है ना, ये आपको अंदर से ना बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि यार ये वीडियो एक रियल लाइफ स्टोरी है एक स्टूडेंट की। अगर आपके पास लाइफ के 5 से 6 मिनट होंगे ना, तो ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि यार ये आपको ना अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी देगा कि यार अगर कोई ऐसा स्टूडेंट कर सकता है तो यार आप क्यों नहीं कर सकते हो। अभी हाल ही में मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में एक ईमेल पोस्ट किया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। उस ईमेल में एक स्टूडेंट की वो स्टोरी उसने मुझे पूरा शेयर की, और यार वो स्टोरी को मैं पढ़ के ना खुद मोटिवेट हो गया कि यार नेचर इतने गंदे तरीके से भी कभी कभी टेस्ट करती है, तब जाके कुछ बड़ा अचीवमेंट होता है। अभी आगे 5 से 6 मिनट में लूंगा, और यार मैं चाहता हूं कि उस स्टोरी को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको यार पता चले कि यार आप भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट कर सकता है तो यार आप क्यों नहीं कर सकते हो। ये पूरी ईमेल है जो मेरे पास है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा। तो यार पहली चीज कि वो स्टूडेंट ने अपना नाम शेयर करने को बोल दिया था, बट कुछ चीजें हैं जो मुझे बोली कि नहीं शेयर करने को, लाइक उसका मेडिकल कॉलेज कौन सा है, घर कहाँ पे है। एक्चुअली उस ईमेल के बाद मैंने उनसे बात भी किया, अच्छे से बात किया, पूछा, क्योंकि यार मुझे खुद उनसे इंस्पिरेशन मिला, ठीक है। तो यार ईमेल उसका कुछ ऐसा था कि भैया मेरा नाम प्रांजल प्रियदर्शनी है, और मैं बिहार के ही एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। एक समय था कि मेरी फैमिली रिच थी, मतलब मिडिल क्लास टाइप से, लेकिन अब बहुत कुछ बदल सा गया है। भैया आगे कुछ भी बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि शायद आप नहीं होते तो आज कुछ भी मैं हूँ जो वो नहीं होती। और आज बहुत गर्व से मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं अब एक मेडिको बन चुकी हूँ, और हाँ भैया मैं एक MBBS स्टूडेंट बन चुकी हूँ। भैया अब थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलना चाहूँगी। भैया मैं जब 10th में थी तो बहुत पढ़ती थी, और 10th का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। मेरा सपना था कि एक पायलट बनना है, लेकिन मम्मी पापा को घर में एक डॉक्टर चाहिए था। भैया पता है मुझे बायोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फोर्सली मम्मी पापा ने मुझे बायोलॉजी दिलाया, और घर से दूर पटना के ही एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने को बोला। उन्होंने पैसों को लेकर कभी कमी नहीं की। भैया स्टार्टिंग में ही मेरा मन नहीं लगता था बिल्कुल भी पढ़ने में, लेकिन एक इंसिडेंस और आपकी एक वीडियो ने लाइफ चेंज कर दी। भैया एक बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, COVID-19 जब आई थी उसने मेरी मम्मी को छीन ली। भैया बहुत टूट गई थी उस समय, और उस समय मुझे डॉक्टर की अहमियत समझ में आई थी। डॉक्टर समय पे ना मिलने पे मैंने मम्मी को खो दी, और मम्मी के चले जाने के बाद भैया 2020 में मैंने पहली प्रयास दी थी नीट का, लेकिन अच्छे से पढ़ाई ना होने की वजह से मैं बहुत कम मार्क्स ला पाई थी, और जो कि 250 मार्क्स बहुत कम मार्क्स ला पाई, 250 मार्क्स बस आई थी। फिर मैंने ड्रॉप लिया, बस ये ठान के कि अब इसके बाद मुझे दूसरा ड्रॉप नहीं लेना है। और भैया मैंने रात दिन एक कर दी, कभी कभी मम्मी की याद आती थी तो बहुत कमज़ोर पड़ जाती थी, लेकिन दिमाग में एक ये भी सपना चलता था कि मम्मी की ड्रीम को मुझे पूरा करना है। और पता नहीं कैसे बट मुझे बहुत ज़्यादा मन लगने लगी थी पढ़ाई में। और भैया आप मुझे जो मानो छोटी बहन की सही, बट आज वो एक MBBS स्टूडेंट बन गई है, और 640 मार्क्स लाई थी नीट 2021 में। वो कहते हैं ना कि भैया जब आदमी एक बार टूटता है ना, तो या तो वो टूट के बिखर जाता है या फिर संभल के निखर जाता है। भैया आपको मैं इतना सारा बात बताई क्योंकि इस जर्नी में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो किया है, आपकी ओल्ड वीडियोस को, और आपकी एक बात जो शायद आप अभी भी बहुत बार बोलते हो, तुम्हारा हर एक अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होता है, चाहे वो पहला अटेम्प्ट हो, चाहे वो दूसरी हो, चाहे वो तीसरी अटेम्प्ट हो, और ये मुझे हमेशा मोटिवेट किया। भैया आप जो कर रहे हैं यूट्यूब पे शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता। भैया बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए आप आइडल हो, क्योंकि आपकी बात से ना सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं। और भैया एक बात बोलना चाहूँगी आपके लिए,
भैया मैंने मैं भी जब नीट का प्रिपरेशन करती थी ना, तो 4 से 5 टॉपर्स का वीडियो देखी थी, बट पता है भैया कभी किसी से रिलेट नहीं कर पाई। और आपकी एक स्टोरी सुनी थी मैं सक्सेस वाली, जिसमें आपको भी एक लड़की से अटैचमेंट हो गया था, वो उसमें आप जो भी बोले थे बहुत मोटिवेट हुई थी मैं उस। भैया उस वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी और मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। थैंक यू सो मच भैया, भगवान जी आपको हिम्मत दे ताकि आप मेरी जैसी बहुत लड़कियों को हेल्प कर सके, जिसे फैमिली में बहुत बार दबा दिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स, यू आर अ रियल मोटिवेटर, रियल पर्सन एंड ए रियल मेडिको। तो यार ये थी उनकी फुल स्टोरी। और उसके बाद मैंने उससे, क्योंकि यार ये जो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे खुद अंदर से इंस्पिरेशन टाइप का महसूस हुआ यार कि इतना स्ट्रगल लाइफ में फेस करना पड़ता है किसी किसी को। फिर मैंने उनसे बात किया, ठीक है, फिर मैंने उसे अपना नंबर दिया और बोला मैंने कॉल करो मुझे, ठीक है। फिर मैंने उनसे बात किया और बात करने के बाद और भी मैं उनके उसके बारे में जानने का कोशिश किया कि और कुछ बताओ अपने बारे में, ठीक है। फिर यार उसने बताया कि एक्चुअली उसने पटना से पढ़ा था, फर्स्ट ड्रॉप लिया, मतलब पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, 250 मार्क्स आया। फिर उसके बाद 640 मार्क्स लाई थी, और यू कांट इमेजिन यार 640 मार्क्स फ्रॉम 250, कितना मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट है यार, कोई इतना कैसे इंप्रूव कर लेता यार। पता है ये जितना भी चीज़ हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका कॉन्सिस्टेंटी, खुद पे बिलीव करना, जो मुझे उनसे सीखने को मिला कि यार आपका गोल कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपको अगर अंदर से एक बिलीव आती है ना कि यार मैं ये कर सकता हूँ, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये चीज़ उसमें थी। चाहे देखो उसे भी ये चीज़ पता था कि यार सक्सेस जो होता है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, और नेचर हमेशा कुछ ना कुछ आपके साथ टेस्ट करेगी ही। और यार वैसे लोग बहुत बड़ा कर जाते हैं, कभी कभी होता है ना यार कि वैसे स्टूडेंट जो लाइफ में सच में बहुत नीचे वाले कंडीशन पे झेल के आया है, मतलब ऐसा कि जहाँ पे यार उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना लाइफ में, ठीक है, वैसे स्टूडेंट ना खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं ना अंदर से कि यार उसके बाद उसके लाइफ में कोई भी परेशानी आएगी ना तो वो उसे झेल लेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो उसे झेल लेगा। और जो आदमी अपने लाइफ का रियल लाइफ का प्रॉब्लम झेल लेता है ना, तो यार उसे ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत छोटा लगने लगता है, फिजिक्स नहीं बन रहा यार, ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, आप रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स वो झेल चुके हो। और वैसे स्टूडेंट ना बहुत अच्छा करते हैं, आपको पता है, और वही एक एग्जांपल थी इसकी। तो यार मैं बोलना बस ये चाहूँगा ना कि यार ऐसे स्टूडेंट्स लाइक जिस जो बहुत पुअर हैं, जो घर मतलब जिसको यार घर में ना जिसके पापा रिक्शे चलाते हैं, मतलब खाने को भी मतलब उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं ठीक से, वो भी अपने इस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और पता है उनको अहमियत पता होती है कि यार अगर पेरेंट्स मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं तो कितना मेहनत से वो अर्न करके मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, और उसको ये चीज़ की अहमियत पता होती है, और वो वैसे स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं। तो यार आपके पास आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका फैमिली बहुत अच्छा होगा, बैकग्राउंड अच्छा होगा, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होंगे, तो यार क्यों ना तुम अच्छा करो, समय तो है ना, समय, कभी समय को कोस मत देना कि यार मेरे पास समय नहीं था तो मैं नहीं कर पाया। जितना समय आपको मिला था उतना ही समय इसको भी मिला, उतना ही समय मुझे भी मिला, और उतना ही समय हर एक स्टूडेंट को मिलता है, शायद आप वेस्ट कर लेते हो, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसे अच्छे तरीके से यूज करके बहुत अच्छा कर लेते हैं। किसी भी रैंक पे ऐसा किसी का नाम नहीं लिखा होता है कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 बस वही लाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 10 बस वही लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रैंक पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो तो आप भी अपना नाम लिख सकते हो, आप भी अपना नाम वहां पे ला सकते हो, कोशिश करो, तुम भी कर सकते हो।